आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक दीप सिद्धू को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। दीप सिद्धू को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया। दीप सिद्धू पर पुलिस ने 1,00,000 रुपये का इनाम भी रखा था। वे करीब 15 दिन से फरार चल रहा था। राहुल गांधी ने नफरत फैलाने वाली ट्रोल आर्मी के खिलाफ छेड़ा अभियान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली ट्रोल आर्मी का मुकाबला करने के लिए नया अभियान छेड़ा है। राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर एक हेल्पलाइन नंबर, विशेष सोशल मीडिया पेज लॉन्च किया है और लोगों से कांग्रेस की आईटी सेल से जुड़ने की अपील की है। राहुल गांधी ने इस टीम को सच्चाई की फौज करार दिया है। तपोवन सुरंग में 120 मीटर अंदर पहुंची रेस्क्यू टीम। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब राहत बचाव कार्य चल रहा है। तपोवन के टनल में करीब 37 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उत्तराखंड की घटना में अभी तक 26 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 171 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। बिग बॉस से बाहर हुए अभिनव शुक्ला। बिग बॉस कंटेस्टेंट अभिनव शुक्ला को शो से बाहर कर दिया गया है। अभिनव शुक्ला शो के अंदर एक जेंटलमैन की तरह से रहे, जिसकी वजह से दर्शकों ने उन्हें काफ़ी पसंद भी किया। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,110 नए मामले आए सामने, 78 मरीजों की गई जान। रविवार और सोमवार के बाद अब मंगलवार को भी देश में कोविड-19 के दैनिक मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में देश में 9,110 नए मामले सामने आए। इसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,08,00,000 से पार चला गया है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज।